ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसी गेस्ट जो कि एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं और इन्होंने काफी सारे मरीजों का अपनी होम्योपैथी दवाइयों से इलाज किया है। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा पाठक। मैम स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम होम्योपैथी डॉक्टर हैं और ये अपनी दवाइयों का इन्वेंशन खुद करती है, तो हम मैम से जानते हैं इनके इन्वेंशन के बारे में, इन्होंने मरीजों को जो उपचार दिया है उसके बारे में। मैम आपको सबसे पहले बधाई है कि आपको 2 बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। धन्यवाद करती हूं मैं आपका। तो ये जो आपको मिला है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है, तो ये किस वजह से हुआ है? 14 जुलाई 2017 में मुझे पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। okay. जिसमें मैंने हेयर के लिए जो मेडिकेशन इन्वेंट की थी मेरी खुद की बनाई हुई दवाई है और उस समय मैंने 550 लोगों को निःशुल्क मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। 550 लोगों को निःशुल्क मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करके और नई मेडिसिन जो है वो हेयर के लिए इन्वेंट करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में फर्स्ट टाइम जो है अपना रिकॉर्ड दर्ज किया था। और अभी मुझे लास्ट 5 मार्च को मुझे अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मुझे मिला है इसमें मैंने कम से कम 2228 लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन कंसल्टिंग दी है, जो कि आज तक किसी भी, मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर ऐसा भी है नहीं जो ऑनलाइन कंसल्टिंग निःशुल्क दे रहा है, जिसमें आप जो लोग नहीं आना चाहते हैं, जो लोग मेरे तक पहुँच नहीं पाते, उसमें कई लोग तो कई बीमारियों से सफ़र करते हैं जो आने में असमर्थ हैं और कई हमारे जो सैनिक जवान हैं जिनको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से स्किन और हेयर प्रॉब्लम होती है, वो आने में असमर्थ होते हैं तो उनके पास यह टाइम नहीं होता है कि अपना इलाज के लिए समय दे पाए, तो उनके लिए मैंने ये ध्यान में रखते हुए फैसिलिटीज स्टार्ट किए कि वो मुझसे बात कर सकते हैं। 24 आवर्स मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए कॉल आते हैं और हम लोग कॉल अटेंड करके उनको ऑनलाइन कंसल्ट करके अपने क्लिनिक से मेडिसिन यहाँ से कुरियर के थ्रू भेजते हैं। ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपने इन्वेंट करी और उनसे किन बीमारियों का इलाज संभव हुआ है? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, आज सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो बालों का झड़ना, सफ़ेद बाल और बाल की ग्रोथ ना हो पाना, ये सबसे ज़्यादा हमारी आज सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आज पर्सनालिटी के ऊपर लोग ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं हम कहीं जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, या हमारी शादी होने वाली होती तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारी जो है शरीर से पड़ता है या हमारे दिखने पर पड़ता है। तो उसके लिए मैं बात करूँ तो मैंने सबसे पहला जो मेरा इन्वेंशन था वो हेयर के लिए था, जिसमें एक बीमारी होती है एलोपेशिया। एलोपेशिया जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, जिसमें कि एलोपेशिया यूनिवर्सल जो होता है जिसमें शरीर के पूरे बाल उतर जाते हैं, एलोपेशिया एरेटा जिसमें सिक्के बराबर पैच आके बाल जाते हैं, और एलोपेशिया एंड्रोजेनिक जिसमें एम शेप बनते हुए पीछे की तरफ से बाल निकलना चालू होता है और जहाँ से आप मांग निकाल रहे हैं उस एरिया का बढ़ जाना, इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। एलोपेशिया एरेटा एंड्रोजेनिक यूनिवर्सल का आज तक कोई इलाज नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर यूनिवर्सल एलोपेशिया कहा जाए तो डीएसटी हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण तो इसमें कहीं से भी बाल नहीं होते हैं शरीर में, तो इसमें मैंने ग्राफ्टिंग भी और हेयर ट्रांसप्लांट भी इसमें सक्सेस नहीं होता है, मना कर दिया जाता है। तो आज मैं इसका जो इलाज कर रही हूँ वो सक्सेसफुल इलाज कर रही हूँ, कम से कम 2000 के करीब मरीज मैं ठीक कर चुकी हूँ यूनिवर्सल एलोपेशिया के। अभी तक कितनी दवाइयाँ हैं जो आप इन्वेंट कर चुकी हैं? मैंने अभी स्किन और हेयर के लिए जो है मेरा इन्वेंशन रहा है मेनली, और इसके अलावा मैं कई इलाज करती हूँ, तो बट मेनली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो हेयर और स्किन के आते हैं। आपने इस चीज़ में डिग्री? मेरा BHMS है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी मैंने सागर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से किया हुआ है, मेरा बायोटेक्नोलॉजी भी डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से है। इसके अलावा आपने ऐसे कोई लोग जिनके लिए आपने अपनी मेडिसिन के थ्रू कुछ काम किया? ऐसे कई जैसे लास्ट टाइम जो भी मेरा 5 तारीख को जो फंक्शन हुआ था, तो अभी हमारा इंदौर जो है वो 3री बार स्वच्छ अभियान में नंबर 1 आया है और मैं आगे भी चाहती हूँ कि इसी तरीके से मेरे देश में इंदौर जो है नंबर 1 आता रहे स्वच्छ अभियान में। इसके लिए पर जो महिलाओं का इसमें समर्थन है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्वीपर क्लास महिलाएँ होती हैं, वो सुबह सारा उठती हैं और घर से निकलती हैं सारे काम छोड़ के हमारे देश को स्वच्छ करने के लिए, तो उन लोग सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, तो जैसे सफ़ेद दाग हो गए, खुजली हो गई, क्योंकि ये लोग जब एसिड यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं तो इनका हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं इनके लिए अभी मैंने 5 मार्च को निःशुल्क हाइजीनिक किट डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसमें कि हाइजीनिक किट के हिसाब से उसमें हैंड ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, हैंड सैनिटाइजर और स्किन की मेडिसिन जो है या बालों की मेडिसिन है वो मैंने निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट किया 150 से 200 स्वीपर्स को जो महिलाएँ हैं। आपने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है और आपको गोल्डन बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा ऐसा कोई और सम्मान जो आपको दिया गया? ऐसे मुझे कई सारे सम्मान मिल चुके हैं, नई दुनिया, दैनिक भास्कर पत्रिका, और उसके बाद अभी मुझे आशीर्वाद एनजीओ जो होता है तो उसमें महिला दिवस पे मुझे अवार्ड मिला हुआ है लास्ट टाइम, और ऐसे कई अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। शायद मैं आपको नाम भी मुझे याद नहीं होंगे, इतने मुझे अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक। जी, आप इस क्षेत्र में आगे और क्या करना चाहेंगे? मैं इस क्षेत्र में उन लोगों के लिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्सल एलोपेशिया की बात करते हैं तो ये बीमारी लड़कियों को भी होती है। इसमें 2 साल की बच्ची से लेके 80 ईयर्स तक के मेरे पास केस आए हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टिंग है जिसमें मेरे पास ऑल इंडिया वर्ल्ड से पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर बात की जाए तो 8 से 9 कंट्रीज से भी लोग मेरे से मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, US, UAE, और उसके बाद आपकी बात करी जाए इटली, रशिया, यहाँ तक मेरी मेडिसिन ऑनलाइन कुरियर हो रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो मैंने, जब मेरा फर्स्ट टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था तो जब मेरे पास ऑनलाइन पेशेंट्स आना चालू हुए तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि जो एलोपेशिया की फीमेल्स हैं, जो मैंने सोचा था 1 या 2 केस होंगे, इससे ज़्यादा हमारे देश में इस चीज़ के क्या केस होंगे, पर जब मेरे पास केस आना चालू हुए तो मेरे पास कम से कम 8,000 से ज़्यादा इस चीज़ के केस आए। उसमें 2 साल से लड़की से लेकर 80 ईयर्स तक की फीमेल्स हैं जिनके बाल नहीं हैं शरीर में, और वो इस चीज़ से परेशान हो रही है, क्योंकि एक महिला होते हुए तो लाइफ में शक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि हमारी शादी ना हो पाना, या हम एज अ स्टूडेंट कहीं बैठ रहे हैं तो कई लोग हमको अलग समझते हैं अपने से। तो वहाँ जाके ये प्रॉब्लम देखते हुए मैंने इसके लिए ध्यान में रखते हुए ये मेडिसिन इन्वेंट की, और इसमें काफ़ी लोगों को जब रिलीफ मिला तो मुझे भी एक तरीके से खुशी हुई कि हाँ मैं इस चीज़ में सक्सेस रही, और मैं आगे इसी के लिए काम करना चाहती हूँ। और ये मेरा, अगर आप कभी आपने देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कि मेरे यहाँ जो कंसल्टिंग फीस है वो 300 रुपये 1 टाइम लगती है, लाइफ टाइम के लिए फ्री होती है। कभी भी आप आते हैं तो 300 रुपये मात्र कंसल्टिंग फीस है, 1 टाइम, फॉर द लाइफ टाइम कभी भी आके अगेन कंसल्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके लिए लाइफ टाइम मेरा क्लिनिक खुला हुआ है। यूनिवर्सल एलोपेशिया जो आपने बीमारी का नाम बताया, तो किस दवाई से आप इसका इलाज कर रहे हैं? ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका इन्वेंशन मैंने खुद ही किया हुआ है। इस मेडिसिन का कुछ नाम? नहीं, शादी मेरा खुद का फार्मूला है, और अभी इसके लिए मेरे पास कई लोग बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ यू सेल योर फार्मूला, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर डेट, बिकॉज कि मेरी काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इसे रिसर्च किया और आज मैं इसको रजिस्टर भी करवाने जा रही हूँ, तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो ये मार्केट में बहुत कम कॉस्ट में उतरेगा। अगर मेरे ख्याल से मेरा एक हेयर सायरप लॉन्च होने वाला है, ये 300 रुपये के मात्र रेंज में होगा, इसको हर कोई ले सकता है, गरीब से लेकर एक अमीर इंसान तक इसको अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए ये फार्मूला मैं अभी किसी को सेल करने के लिए एग्री नहीं हूँ या बताने के लिए एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये मार्केट में उतरता है तो मेरे ख्याल से इसके रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। इस फील्ड में आने का आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? इस फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा जी, मेरे दादा जी, वो भी डॉक्टर ही हैं, और उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी को काफ़ी समय तक अपना टाइम दिया है और कई गरीबों लोगों को इलाज किया है। तो उनको देखती हूँ, मुझे भी लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो हट के हो और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप आराम से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, और ये काफ़ी सस्ती होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लोगों को स्टैप मिलता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हर कोई इस मेडिसिन को ले सकता है। आपकी कंसल्टेंसी जो वेबसाइट है तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए थोड़ी सी। देयर इज नो कंसल्टिंग वेबसाइट्स, मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9713021228, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय पे, मैं आपको वहीं कंसल्ट करूँगी और वो बता दूँगी कैसे क्या आपको करना है, वो सारा हम लोग आपको समझाएंगे बाय फोन, और व्हाट्सएप पे हम लोग डिटेल्स मंगवाते हैं और उसी के थ्रू पूरा कंसल्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे बीच में आई और आपने इतना अच्छा जो आप काम कर रही हैं आप आगे भी करती हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और आगे मैं चाहूँगी कि आगे इस कदर आपसे जुड़ती रहूँ और देश के लिए कुछ ना कुछ करती रहूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।